भारतीय टीम ने आज ऑस्ट्रेलिया को हराकर लगभग सेमीफाइनल की रेस से उन्हें बाहर कर दिया है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श भौखला गए और पोस्ट मैच इंटरव्यू में मिचेल मार्श ने भारतीय टीम और रोहित शर्मा पर बड़ी बात कही है। तो मार्श ने क्या कुछ कहा है हम आपको उसका पूरा वीडियो जरूर दिखाएंगे, तो उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी मानते हो कि आज भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2023 में मिले हार का बलदा ले लिया है तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी। शुरुआत खराब रही, विराट कोहली शून्य पर आउट हो गए, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा अलग ही मूड में थे। रोहित ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए महज 19 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद वो और ज्यादा खतरनाक हो गए। रोहित की तूफानी हिटिंग के दम पर टीम इंडिया ने 10 ओवर में 114 रन बनाए और यही वजह है कि टीम इंडिया ने 200 से ज्यादा रनों का स्कोर खड़ा किया। हालांकि रोहित शर्मा अपने शतक तक नहीं पहुंच पाए और 92 रन बनाकर आउट हो गए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 206 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था। जब ऑस्ट्रेलिया की टीम स्कोर को चेस करने उतरी तो उनकी शुरुआत भी खराब रही। डेविड वार्नर सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने कमाल की साझेदारी कर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया था। ट्रेविस हेड ने 43 गेंदों में 76 रनों की पारी खेली और मिचेल मार्श ने 28 गेंदों में 37 रन बनाए। हालांकि इस साझेदारी के टूटने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम पूरी तरह से बिखर गई, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया ने 181 रन ही बनाए और उनकी टीम 24 रनों से ये मैच हार गई। वही दोस्तों, इस शर्मनाक हार के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम लगभग सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है, जिसके बाद उनके कप्तान भौखला गए और इंटरव्यू में जब उनसे इस हार के बारे में पूछा गया तो मार्श ने बात करते हुए कहा कि हमने आज बेहद ही घटिया किस्म की क्रिकेट खेली है। आज हमारे बल्लेबाज उस अंदाज में खेल नहीं पाए जिसके लिए हम जाने जाते हैं। 206 का लक्ष्य जरूर बड़ा था, लेकिन जिस तरह की हमारी टीम है हमें इस मैच को बड़े आसानी से जीत जाना चाहिए था। दरअसल हमने भारतीय टीम को हल्के में ले लिया था। हमें लगा कि ICC टूर्नामेंट्स में भारत हमसे अक्सर हार ही जाती है, तो हमें लगा कि आज भी प्रेशर के चलते भारत कुछ न कुछ गलतियां करेगी और हम मैच जीत जाएंगे। लेकिन आज भारतीय टीम ने हमें हर डिपार्टमेंट में हरा दिया। खासकर जिस तरह से रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से शुरुआत की थी, उससे मैच का मोमेंटम भारत के पास चली गई थी। हमारे पास रोहित शर्मा के लिए कोई जवाब या प्लान्स ही नहीं थे। आज रोहित ने अकेले ही हमें प्रेशर में डाल दिया था। हालांकि जब मे और ट्रेविस हेड खेल रहे थे तब हमें ने अच्छी पार्टनरशिप बना ली थी, लेकिन मे और लंबे समय तक खेल नहीं पाया। लेकिन मुझे यकीन था कि जब तक ट्रेविस हेड मैदान में है भारतीय टीम दबाव में रहेगी ही, क्योंकि 2023 के फाइनल में भी ट्रेविस हेड ने ही इस भारतीय टीम को रुलाया था। लेकिन इस बार ट्रेविस हेड के लिए बुमराह मौजूद थे। जैसे ही बुमराह ने ट्रेविस को आउट किया हम मैच वहीं हार गए। वहां से वापसी करना मुश्किल हो गया था। भारतीय टीम को कैसे लगा होगा जब वो पिछले साल ट्रॉफी जीत नहीं पाई थी। आज हम भी उसी स्टेज पर है। सही मायने में कहूँ तो भारत ने उस हार का बदला पूरी तरह से ले लिया है। सेमीफाइनल में जाने का और फाइनल में जाकर ट्रॉफी जीतने के सपने को भारत ने पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। हालांकि हमारी उम्मीद थोड़ी बाकी जरूर है, अगर बांग्लादेश अफगानिस्तान को हरा देगी तो। लेकिन हम अपने बलबूते पर सेमीफाइनल में जाना चाहते थे। रोहित शर्मा और उनकी टीम ने हमारा दिल तोड़ दिया है। दोस्तों, आप मिचेल मार्श के इस बयान पर क्या कहना चाहते हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।